आत्मा नमस्ते। धनतेरस का दिन सिर्फ नए सामान खरीदने का नहीं, बल्कि नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को घर में बुलाने का भी होता है। आज मैं आपको एक ऐसा खास उपाय बताने वाली हूँ जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जानते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा दीपक आपको शनि और राहु के बुरे प्रभावों से बचा सकता है। धनतेरस पर हम अपने घर को रोशनी से भर देते हैं, हर कोनों में दीप जगमग होते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं और वो है घर के बाहर का कूड़ेदान। हाँ, आपने सही सुना, इस जगह पर दीप जलाने का खास महत्व होता है, खासकर तब जब 2024 में शनि और राहु की दशा का प्रभाव आप पर हो। धनतेरस की शाम सूर्य अस्त के बाद आपको अपने घर के बाहर कूड़ेदान के पास एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालें और इस दिए को अपने सर से 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर इस दिए को कूड़ेदान के पास रख कर इस दिए को जला दें। ये सरल सा उपाय आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, शनि का साल 2024 और राहु का प्रभाव हम सभी के जीवन में कई परेशानियां लेकर आ सकता है। कभी लगता है कि चीज़ें हमारे काबू से बाहर हो रही हैं, काम में रुकावटें, सेहत में गिरावट, परिवार में तनाव, ये सब शनि और राहु के कारण हो सकता है और इसलिए हम उन बुरी ऊर्जा से खुद को लड़ने के लिए उपाय करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं और इसका समाधान क्या है। शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे सरल तरीका है नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालना। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर सिर्फ घर को अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर भी दीपक जलाएं। कूड़ेदान के पास जलाया गया दीपक आपके जीवन की नकारात्मकता को ख़त्म कर देगा। 2024 में शनि और राहु का साल होगा, इसलिए ये उपाय और भी ज़रूरी हो जाता है। इससे आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। जब आप अपने सिर से इस दिए को 3 बार घुमाकर जलाते हैं तो वो सारे आपके बुरे प्रभाव जो शनि और राहु आप पर डाल रहे हैं वो इस दिए के माध्यम से जलकर नाश हो जाते हैं। और यही नहीं, इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पे ये छोटा सा दीपदान आपको और आपके परिवार को शनि और राहु के प्रभाव से बचाएगा। इस दिव्य उपाय को ज़रूर आजमाएं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्मा नमस्ते।